अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आए रोज़ बिजली महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से बिजली के बिल में भी इजाफा होता जा रहा है। इससे अगर आप मुश्किल तौर पर जान छुड़ाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ़ एक ही हल है कि आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाएं और महंगी बिजली से जान छुड़ाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इबरार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इबरार इकबाल टीवी। व्यूअर्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ये टाउनशिप लाहौर में ये 300 वाट का सिस्टम है। ये 150 वाट की जो है दो सोलर प्लेट्स आपके सामने लगी हुई हैं। इसमें ये तीसरी प्लेट के लिए स्टैंड में गुंजाइश जो है ये छोड़ी गई है। इसका जो स्टैंड है ये वेल्डर से बनवाया गया है और इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको इसके व्हील भी नज़र आएंगे कि इसको रोशनी के मुताबिक मोड़ा भी जा सकता है, यानी ये मूवेबल स्टैंड जो है बनाया गया है। लेकिन इसको नीचे देखें, ये टाई के साथ बांध दिया गया है ताकि आंधी और हवा की सूरत में जो है ये स्टैंड मूव ना कर सके और प्लेटों को नुकसान ना पहुंच सके। इसकी तार जो है यहाँ से नीचे जा रही है, ये ऊपर से ये 4 mm की तार जो है ये नीचे आ रही है और यहाँ से जो है सीधी सोलो चार्ज कंट्रोलर में जा रही है। इस वक्त आप बैटरी की पोजीशन देख सकते हैं कि बैटरी फुल चार्ज है 14.5 पे, दो लाइटें और AGS की 100 एम्पीयर की बैटरी के साथ अटैच की गई है। सोलो चार्ज कंट्रोलर से जो है दो तारें इस कमरे में आ रही हैं और इसके साथ जो है ये बेड स्विच दो लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। एक बेड स्विच जो है इस LED लाइट के लिए है और दूसरा जो बेड स्विच है वो इस रॉयल AC DC फ़ैन के लिए है। ये AC पे भी चलता है और DC पर भी चलता है। अब हम आपको बेड स्विच से इसको ऑन करके दिखाते हैं। ये यहाँ से इसको ऑन किया गया और ये पंखा जो है ये चल पड़ा। एक ये लाइट भी इस पर जो है बाहर ये लगाई गई है बरामदे में, इसको भी आप देख सकते हैं। इस सिस्टम पर फिलहाल एक AC DC फैन और दो LED लाइट्स जो है वो चल रही हैं। जब मज़ीद गर्मी हो जाएगी तो एक जो है DC कूलर भी इसी सिस्टम के साथ अटैच हो जाएगा। अब मैं आपको इस सोलर सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट है उसकी डिटेल बता देता हूँ कि दो सोलर पैनल 12,000 के आए थे और एक बैटरी 6,000 की और AC DC सीलिंग फ़ैन 4,300 का आया था। इसके साथ जो चार्ज कंट्रोलर है वो 1,000 का आया था और जो स्टैंड बनवाया गया वो 1,500 का, दो LED लाइट 200 की। इस तरह इस पर जो टोटल लागत आई है वो तकरीबन 25,000 के करीब जो है इसकी वो टोटल कॉस्ट है। वीवे, मैंने जो आपको ये रेट बताए हैं मुझे इन रेट में ये चीज़ें मिली थी। हो सकता है कि आपके इलाके में इन जो रेट में कमी बेची हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है और रेट से कम भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसके बारे में अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हैं और कोई मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।